Each new amino acid is added to the carboxy terminal of the growing polypeptide chain. This is often referred as a synthesis in the amino to carboxy terminal direction. to so, पोलीपेप्टाइड uh, में जाहिर है अमाइनोसेट ऐड होते जा रहे हैं, तो इसमें एक साइड जो है वो अमाइनो टर्मिनल होगी और एक साइड पे कार्बोक्सी टर्मिनल होगा। तो जो नया अमाइनो एसिड ऐड किया जाता है वो हमेशा कार्बोक्सी टर्मिनल की साइड पे ऐड किया जाएगा द राइबोसोम कैटेलाइज अ सिंगल केमिकल रिएक्शन एंड दैट केमिकल रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वेन न्यू अमाइनो एसिड अराइव इट इट इज लिंक्ड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोलीपेप्टाइड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय द राइबोसोम। दिस रि एक्शन अकर्स बिट्वीन दाइनो एसड रेजिड्यू कार्बोक्सी टर्मिनल एंड द ग्रोइंग पोलिपेप्टाइड एंड ऑफ द ग्रोइंग एंड पोलीपेप्ट इनकमिंग अमाइनो एसिड टू बी एडिड टू दी चेन तो जो ऑलरेडी मौजूद है पोलीपेप्ट उसका जो कार्बोक्सी टर्मिनल है इसके दरमियान और जो नया माइनो एसड एड हो रहा है इसके दरम्यान ये बॉन्ड जो है यह बनेगा बोथ द ग्रोइंग चेन एंड द इनकमिंग अमाइनो एसिड आर अटैच टू टीआरएन इज एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग पैप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन द ग्रोइंग पोलीपेप्टाइड इज कॉन्टिन्यूसली अटैच टू अ टी आर एन ए दुअल सब स्प्रेट्स उंड ऑफ अमाइनो एसिड एडिशन आर टू चार्ज स्पीशीज ऑफ टी आर एन एज वन इज एन अमाइनोसाइल टी आर एन एंड दर वन इज अ पैप्टीडाइल टी आर एन ए तो ये दो चीजें मेनली रिक्वायर्ड है अमाइनोसाइल टी आर एन एर पैप्टीडाइल टी आर एन एज यू नो दिनोसाइल टी आर एन एज अटैच एट इट्स थ्री प्राइम एंड टू दी कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ दी अमाइनो एसड तो ये जो अमाइनोसाइल टी आर एन ए है वो ऑलरेडी जो है वो एक अमाइनो एसड के साथ अटैच है अपने थ्री प्राइम एंड की तरफ से दी पैप्टीडाइल टी आर एन एज अटैच इन एग्जैक्टली द सेम मैनर यानी कि ये भी जो पैप्टीडाइल टी आर एन ए ये भी अपने थ्री प्राइम एंड की तरफ से अमाइनो एसड के साथ या पोली पैप्टाइड के साथ अटैच है द बिटवीन दी अमाइनोसाइल टीआरएनए एंड दिनो एसिड इज नॉट ब्रोकन ड्यूरिंग दमेशन ऑफ नेक्स्ट पैप्टाइड बॉन्ड यानी कि जो टी आर एन ए है अमाइनोसाइल टी आर एन ए और जो उसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है जब ये अमाइनो एसिड एड होगा ग्रोइंग पोली पैप्टाइड में तो ये नहीं होगा कि ये जो बॉन्ड है बिट्वीन टीआरएनए एंड अमाइनो एसिड दिस बॉन्ड इज ब्रोकन नो ये बॉन्ड जो है ये मौजूद रहता है अब देखते हैं कि कौन सा फिर बॉन्ड ब्रेक होता है इनस्टेड द बॉन्ड बिट्वीन दैप्टीडाइल टी आर एन एंड द ग्रोइंग पैप्टाइड चेन इज ब्रोकन एज द ग्रोइंग चेन इज अटैच टू द दिनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड अटैच टू दमाइनोसाइड टी आर एन ए टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड तो जो ग्रोइंग चेन है जो ऑलरेडी पोलिपेप्टाइड बन रही है वो जो टीआरएनए के अटैच इसके साथ अटैच है वहां से वो ब्रेक होके वो आके इस अमाइनोसिड ये जो अमाइनोसाइड टीआरएनए है वो आके इसके साथ अटैच होगी टू कैटेलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन थ्री प्राइम एंड ऑफ दी टू टी आर एन एज आर ब्रॉड इन टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी बाय द राइबोसोम्स

अटैक करेगा उस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सी टर्मिनल पे जो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे है सबसे इधर वाली पोजीशन पे है इधर तो पोली चेन है जो ग्रो कर रही है और सबसे जो इधर वाला अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सी ग्रुप के ऊपर ये अटैक करेगा द रिजल्ट ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पेप्टाइड बॉन्ड द अमाइनो एसिड

इसके साथ जो है ये ज्यादा एसिड अटैच है तो इस अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सी टर्मिनल है इस अमाइनो एसिड का अमाइनोसाइल टी आर एन ए का अमाइनो ग्रुप जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रिजल्ट में ये जो आर एन ए है ये रिलीज हो जाएगा और ये और ये दोनों जो है ये अटैच हो जाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं ये अमाइनोसाइल टी आर एन ए था और इसके साथ ये वो पहले वाली ग्रोइंग पोलीपैप्टाइड चेन थी जो कि पेप्टेडल टीआरएनए से डिटैच होके इसके साथ अटैच हो गई है देर आर टू कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस मेथड ऑफ पोलिपैप्टाइड सिंथिसिस फर्स्ट दिस मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्स दैट द दी टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन बी सिंथिसाइज बिफोर द कार्बोक्सी टर्मिनस Second, the growing polypeptide chain is transferred from the peptidyl tRNA to the aminoacyl tRNA. For this reason, the reaction to form a new peptide bond is called the peptidase transferase reaction. Interestingly, peptide bond formation takes place without the simultaneous hydrolysis of a न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी कि जब ये बॉन्ड बन रहा होता है तो साथ ही एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रही होती ये जो है साइमल्टेनियसली एटीपी ब्रेकडाउन सॉरी ये साथ साथ नहीं हो रही होती दिस इज बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्रिवन बाय ब्रेकिंग दी हाई एनर्जी एसाइल बॉन्ड दैट ज्वाइंट द ग्रोइंग पोलीपेपटाइड चेन टू दी टीआरएन तो बल्कि ये जो एसाइल बॉन्ड जो है बना हुआ है जो पोलिपेप्टाइड और टीआरएनए के दरमियान है ये बॉन्ड ब्रेक किया जाता है और ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड है रिकॉल दैट दिस बॉन्ड वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टीआरएनए एन ए सिंथेटेज कैटलाइज रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द टीआरएनए तो जब टीआरएनए चार्ज हो रहा था यानी कि उसके ऊपर अमाइनो एसिड लग रहा था तो उस वक्त जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है दैट बॉन्ड फॉर्मेशन टुक प्लेस साइमल्टेनियसली विद विथ दाइड्रोलिस ऑफ ए तो इसका मतलब है एटीपी टी हाइड्रोलिस से जो एनर्जी वहां पे जनरेट uh, हुई थी वो इस बॉन्ड में आ गई और फिर अब जब नया माइनो से डिस्क के साथ आके अटैच होगा तो यही एनर्जी जो है वो नया बॉन्ड बनाने में यूज होगी एंड द चार्जिंग रिएक्शन इनवॉल्व दी हाइड्रोलिस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP. Thus, the energy for peptide bond formation originates from the molecule of ATP that was hydrolyzed during the tRNA charging reaction.